उन युवतियों की, उन लिया माता जी की, उन लिया माता जी की, उन छोटे बुढ़ियों की, आज के आनंद की, सरदी जगदम्बा की, सरदार परिवार की, हर हर महादेव। बैठ जाए आप लोग। कृष्ण
स्वरूपम सा चित्तेन्द्र पूर्णात्मन तुझे कदांतम देवी सा तो फलम दीजा वरे स्थूल काव ती मनोहरम सा कंसा दंता काम पुरुषा तो फलम काल ज्ञान आय एक तुझे कदांतम भी रोगी रोगी रो सा पुरुषम समस्त विजय प्राप्त निमित्तम पुरुषार्थ प्राप्त निमित्तम जो करुण प्राप्त निमित्तम सा चित्तेन्द्र प्राप्त निमित्तम तुझे कदांत कम सा दीजो तो प्रिया पूरा सा चित्तेन्द्र पूर्णात्मन सा तुझे कदांत दीवी सा तो फलम सा दीर्घा सदा शिव प्रतां प्राण पात्रम सा चित्तेन्द्र पूर्णात्मन सा प्रेगनातम दीर्घो सदा सदा तो फलम प्रेगनातम मम अहम शिष्या तां तेन गोत्रो सुन्नो हम सर्वभूत बोलिए अहम शर्मा नाम बोलिए काम पूर्णत्व प्राप्त निमित्तम काल ज्ञानाय सा पूर्णम काल सिद्धि प्राप्त निमित्तम सा चित्तेन्द्र पूर्णात्मन सा प्रेगनातम गंगा पूरा गंगा गंगा नेता गुरु स्वामी स्वामी राम चेतन 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 जेगा के जागे जा शुरू का पूरा सा चेतन पूरा अरुष्मान सा निर्मल का शुभान निर्मल का पूरा है शाला एक शर्मान एक चाहते हैं जाते हैं दूंगा एक तस्वीर ना तथा सारी शाम पूरा एक उस मानम सत निगलना दाम निजो तो का तुझम इन वजन बोल जो कि पूर्णा ममा समस्त शिष्य नाम अंग उपांग पूर्ण कालों की वज्र वज्रा की वज्र पूर्णतम सर्वत्र सर्व कार्येषु जीवो प्रयोगी प्रत्येक अंग प्रत्येक सिद्धि भवतु एतो स्वानम शक्ति का नाम दिव्य सांसात मंगुना रो क्रिय का नाम तम दिव्य सांसा पूरा सा जीवन को नाम नदी का नाम तम दिव्य होतो राम जो प्रिय पूरा जो दिव्य पूरा सा जी रो रो सांताव जो कर सांता पूरा तो ज्ञान संपर्क ले गुरु आप मुझे लगा के अपने हाथ में लीजिए मंत्र बोलूंगा अपने हाथ में रखना गुरु क्रम काम क्रीम क्रूम क्रीम क्रम फट ओम क्रम काम क्रीम क्रूम क्रीम क्रम फट ओम क्रम काम क्रीम क्रूम क्रीम क्रम फट सा पूर्णम आशीर्वादम करे सर्व हाथुले के सामने ओ मंत्रा था सुला संतु पूर्णाम संतु लोधा सुतम नाम तो उत्तराम विश्व ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद मन ब्रह्मवाक्तान चलन्ति इन तस्वान असान सूत्रम गणन्ति इंद्रा तत्वारो प्रश्नि आयु दिव्योगम शीलवजस्वान स्वरोग्यम मा वदात्मान महिगे धान्यम धनम तत्सुप्रदारम तत्समस्त्रम दीर्घमायु पूर्णदा पूर्णम पूर्णान पूर्णमुच्यते पूर्णश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते तद्वद्मोऽस्मि शिष्येणाम् पूर्ण एतत्त्वम् श्रीकृष्ण स्वरूप रूपेण सान्निध्यं परिदाय सा मन्त्रम् सा पूर्णता एतत्त्वम् गगन धान्य यथा पुरुषा ऐश्वर्य और अभिवर्धय सा पूर्णमेव सा तद्यं संवर्धे गुरु नेत्रम् लगाकर सामने रख दी मैं शिविर समझा रहा हूँ और संक्षिप्त विधि है या केवल पांच दिन का उपयोग है और पांच दिन में सारी अकीक माला हो यदि आपके पास हो तो आपको उपयोग करें और सारी अकीक माला से इस मंत्र जाप को करें और जिसके एक मंत्र जाप करें मगर ये मंत्र जाप रात्रि को हो सकेगा जब भी आपको समझा हो आज बीस दिन बाद महीने बाद दो महीने बाद जब भी हो केवल पाँच रात्रि उपयोग है इसको पंचरात्रि उपयोग भी कहते हैं और उसमें केवल इस मंत्र जाप के अलावा अगर कोशिश संभव हो तो आप दीपक लगा दें अगरबत्ती लगा दें यंत्र को रख दें सामने मगर केवल दो चीज़ें जरूरी हैं गुरु चित्र हो और यंत्र हो और उसके बाद आप पांच पाँच छठे दिन उस यंत्र को उस माला को और इस जो यंत्र में दिया है इस यंत्र को और माला को दोनों को नदी में प्रोवाइड कर देना है पूर्णता के साथ में नदी नदियों का लाभ तालाब में वो मंदिर मंदिर इनको देवा है उसमें इसको चढ़ा देना है और उनसे पूर्ण प्रार्थना करनी है कि जो गोपनीय दिव्य मंत्र जिसके एक एक बीज में अपने आप में पूर्ण पुरुषार्थ यौवन चेतना चैतन्य श्रेष्ठता दिव्यता दी है उसको मुझे प्राप्त हो ऐसा आप उनको बोल करके वह सामुद्र नदी में या तालाब में या कुएं में और नहीं हो तो मंदिर में कई बड़ी को विसर्जित कर दें एक बार फिर आपको इस अद्भुत प्रयोग के लिए आशीर्वाद देता हूँ कल्याण कामना करता हूँ सफलता की पूर्ण क्षमता के साथ कल माला से रात्रि को और अर्धरात्रि नीचे नींद नहीं चाहिए नीचे रात्रि को अपने कर लो अर्धरात्रि के रात्रि 11:30 बजे से 1 बजे तक को अर्धरात्रि कहते हैं 11:30 में पहले शुरू नहीं करना है 1 बजे के बाद तो चलना नहीं है इसमें दीपक कंपल्सरी नहीं है लगेगा ठीक है
कि उस स्थान जो कि आपको बैठना है तो धोती पहन करके दुपट्टा उठ करके गुरु गुरु मंत्र जाप करके गुरु पूजन करके और उसके बाद मंदिर जाप करना है। ये बात फिर आपको इस बात के लिए आशीर्वाद देता हूँ कि वास्तव में आज का दिन मेरे लिए तो बहुत गौरव का दिन रहा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा। जो कि मैंने फिर संपन्न करवाए वह अपने आप में अद्वितीय थे। आपने इन मंत्रों का क्योंकि एक ही बीज मंत्र पर ग्रंथ लिखा जाए तो 200 प्रश्नों का 500 प्रश्नों का ये ग्रंथ लिखा जा सकता है। ये बीज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ये मंत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ये चेतना अपने आप में महत्वपूर्ण है और जो संजीवनी विद्या के साथ में आपको यह प्रयोग करवाया है बहुत महत्वपूर्ण है। और ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि थुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।